जी अबू शाकिर साहब, मुफ्ती साहब आपको सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? बस बस मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इंतजार कर रहा था आपके आपके प्रोग्राम का, थोड़ी तैयारी करके बैठा हूँ। ओहो, आज तो जाल वाल डाल के जबरदस्त मुफ्ती साहब, मैं आपके सामने आज एक कुरान की तीन आयतें हैं, जी दो को तो अभी पेश करता हूँ जिनको मैं समझता हूँ और सभी मुल्हिद समझते हैं कि ये बहुत ही हाईली इलॉजिकल आते हैं। इसकी चले, ये हम तो बाद में बात, बात करेंगे। सूरत और आयत का रेफरेंस बताइए। ठीक है, चैप्टर 6:107, अगर मैं चाहे तो पढ़ दूं अंग्रेजी में। हैड अच्छा जी, अल्लाह विल मोरव शाह अल्लाह को मा जालना कारीम हफीजा वो मानता अलहिम भी वकील, बयान कुदरत है। जी, जवाब हो गया। हैड अल्लाह विल दे वुड नॉट हैव बीन पॉलिथिस्ट, पीरियड। We have not appointed you as their keeper, nor are you their maintainers. यहाँ जी पे अल्लाह पैगाम दे रहा है हजरत मोहम्मद को और हम सबको कि जी अगर अल्लाह चाहता तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होते ही ना। अल्लाह सही बात, का पैगाम है सही। नहीं, ये एक तरफ। दूसरी कुरान की जो आयत है, एक मिनट, इस आयत में प्रॉब्लम क्या है? हालांकि मैं जवाब दे चुका हूं दो लफ्जों के अंदर, आपको पता भी नहीं चला कि जवाब हो गया, लेकिन चलें, इसमें एतराज बताइए क्या है? नहीं, जो दूसरी आयत है ना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हम देखने हैं ना। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन देखना है। अच्छा ठीक ये है, तो तो सर आयत अल्लाह खुद मुशरिक्स को पैदा कर रहा है, ये अल्लाह का आपका कहना है। आयत का रेफरेंस। नहीं, मैं ये जो मैंने पढ़ी हैड अल्लाह विल दे वुड नॉट हैव बीन पॉलिथिस्ट। ठीक है, अब अगली, इसका जवाब दे दिया मैंने, लेकिन मैं दूंगा तफसीली ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आसिम भाई तो एकदम समझ गए। क्यों आसिम भाई, मैंने मैंने जवाब दे दिया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे अगली अगली आयत बताइए। चैप्टर 16 आयत 35, आयत 35। ये अल्लाह खुद जो पॉलिसिस हैं उनका उनका मौकफ, उनके जो जो मौकफ है उसको एक्नॉलेज कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, चले। पॉलिसिस आर्ग्यू, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। ये भी जवाब हो गया, ये भी जवाब हो गया, लेकिन चले आप कह दे। मैं वो पढ़ रहा हूँ जो लिखा है। मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा है। चले पॉलिसिस पॉलिसिस ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जी। हैड अल्लाह विल्ड नीदर वी नॉर अवर फोर फादर्स वुड हैव वर्शिप एनीथिंग विदाउट हिज कमांड। पॉलिसिस पैगाम दे रहे हैं अल्लाह को कि अगर अल्लाह चाहता तो हम किसी का शिर्क ना करते, आगे पढ़िए, ना हमारे फोर फादर्स करते। आगे पढ़े, आगे पढ़े। आगे भी पढ़ रहा हूँ, हाँ एनीथिंग विदाउट हिज कमांड, सो डिड बिफोर द, क्या मतलब इसका? हाँ कि हमारे जो फोर फादर्स हैं वो भी ना करते। नहीं, कदालिका फाल लजीना मिन कबलिहिम, क्या मतलब इसका? देखिए मैं तो उसकी ट्रांसलेट, मैं तो ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ू ट्रांसलेशन? Well, let me finish. मुझे मुझे नहीं, ठीक अभी आपने फिनिश नहीं किया ना, है ठीक है आपने ठीक है ठीक ट्रांसलेशन गलत कर दिया, गलत पढ़ा। कदाली का फादर लजीना मिन कबलिहिम का ट्रांसलेशन करें। है। I don't know, मैं देखिए मुसलमान तो दुनिया में बहुत है, अरबी स्पीकिंग तो 5% है। भाई अब मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप अरबी में बताओ मुझको, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन तो करें सही का, सही आयत का। भाई मैं तो इंग्लिश में ही कर सकता हूँ ना, अरबी इंग्लिश ही अरबी में करें, इंग्लिश ही में करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस आयत का तो करें जो मैं कह रहा हूँ। कौन सी आयत है? इसी आयत में जो हिस्सा है ना, कजाली का फाल लजीना मिन कबलीम, उसका तर्जुमा करें। लेकिन वो अल्लाह ये कह रहा है कि क्या पैगंबर की जिम्मेवारी है कि वो बिल्कुल क्लियर वाजे करें इसको। अल्लाह उससे पहले क्या है? मतलब देखिए, मैंने तो ये पूरी आयत आपको पढ़ दी है अंग्रेजी में, मैं पढ़ दूं? अब आप आप मुझे इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं? है बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़े। ठीक मैं, मेरे सामने उर्दू तर्जुमा है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ ताकि सब लोगों को समझ आ जाए, आपको भी आएगा, उर्दू में बात हो रही है। ठीक है वो ये कि जिन लोगों ने शिर्क इख्तियार किया है वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी और चीज की इबादत न करते, ना हम ना हमारे बाप दादा, और ना हम उसको उसके हुक्म के बगैर, ना हम उसके हुक्म के बगैर कोई चीज हराम करार देते। यहां तक तो मुशरिकीन का एक्सक्यूज है, ठीक है, आप लोगों का एक्सक्यूज है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है? जो उम्मतें इनसे पहले गुजरी, यानी आपसे पहले जो गुजरी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। यानी अल्लाह ताला इस
एक्सक्यूज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे अल्लाह ने मुशरिकीन के एक्सक्यूज को एक्नॉलेज किया। yes. मैंने क्या कहा था? क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज कैसे किया? अल्लाह कह रहा कज़ालिक फअल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसे ही कहा था। फहल अला रुसुलि इल्ला अल बलाग़ुल मुबीन, पैगंबरों की जिम्मेदारी इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो साफ साफ तरीके से पैगाम पहुंचा दें। इसका मतलब ये कि आपका ये एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। अब रही ये बात सूरह अनआम की, जो आपने इससे पहले आयत कोट की है, उसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का इजहार किया है। वो अल्लाह ये नहीं है कि अगर ये अल्लाह ताला ने आपको मुशरिक बनाया है। क्या आयत थी वो सूरह अनआम की? आयत नंबर क्या थी दोबारा बताइएगा, पहली वाली जो आयत थी वो है चैप्टर 107। दोबारा पहुंचता हूं वहां पर, और ये है वलौ शा अल्लाहु मा अशरकू, अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। बिल्कुल, अगर अल्लाह चाहता और वो इरादा करता, जैसे मलाइका है शिर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा कि वो कभी शिर्क ना करें, कभी कुफर ना करें, कभी हरामकारी में मुब्तला ना हो, तो एक फरिश्ता भी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि उनको फ्री विल नहीं है। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि मुझे और आपको फ्री विल हो, आप अपने फ्री विल से मुल्हिद बने, मैं अपनी फ्री विल से मोमिन बनाऊं, बताइए इसमें क्या खराबी है? नहीं, फ्री विल तो इस्लाम में बिल्कुल है नहीं। फ्री विल तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है। ये तो आपका फ्री विल है भी नहीं, और ये शिर्क भी कर रहे हैं। जब अल्लाह ये कहता है कि ये बात करो नहीं तो मैं कयामत तक तुम्हें जहन्नुम में जलाऊंगा, उसको वो फिर नहीं होती। कयामत तक नहीं जहन्नुम में जलता, कयामत के बाद जलता है। आपके इस कहने से तो साबित हुआ कि फ्री विल है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है करो वरना मैं करूंगा, इसका मतलब ये कि फ्री विल है। आपने भी साबित कर दिया। अल्लाह जो है बड़े वादे तौर पर ये कह रहा है कि अगर हम चाहते तो मुशरिक बनाता ही ना। अल्लाह तो अब तक मुशरिक बनाता चला जा रहा है। अल्लाह ने मुशरिक नहीं बनाया, गलत तर्जुमा गई। मैं कहता हूँ कि आप आयतों को मोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। कैसे? अल्लाह इनको मजबूर कर देता ईमान लाने पर तो ये लोग मुशरिक ना होते। अल्लाह ने मजबूर किया ही नहीं किसी को भी। कुछ लोग मोमिन हो गए, कुछ लोग मुशरिक हो गए। अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया, ये इस आयत से पता चल रहा है। जब मजबूर नहीं किया तो फ्री विल साबित हो गई। इस आयत से तो फ्री विल साबित हो रही है। मुफ्ती साहब, ये तो वही हो गया ना कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका वो मतलब नहीं जो हम समझ रहे हैं। भाई आपकी, अच्छा मुझे बताइए, आपकी कुरान की नॉलेज मेरी कुरान की नॉलेज के मुकाबले में ज्यादा है कम है? आपकी ज्यादा है। बस साबित हो गया ना। अब मैं जो समझ रहा हूँ वो ज्यादा ऑथेंटिक है या आप जो समझ रहे हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक? इसलिए तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। बाहर जाने से पहले मैंने जब आप ये समझ रहे हैं कि मेरी कुरान की नॉलेज आपकी कुरान की नॉलेज से ज्यादा है और ऑथेंटिक है, तो मैं जो समझूंगा वो ज्यादा बेहतर होगा ना, वो ज्यादा सही होगा ना। सब इसलिए तो आपसे गुफ्तगू हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं किया। एक और आयत सुना देता हूँ आपको, वमा तशकुर तकबीर की है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तो तुम जो कुछ चाहते हो वो इसलिए चाहते हो चूंकि अल्लाह चाहता है। ओके, अब तीसरी आयत पे आ जाते हैं। सुन लीजिए, मैं अभी बात मुकम्मल कर लूं। क्या मतलब वो इस आयत का? कि तुम्हारे पास जो इरादा है ना, वो इसलिए कि अल्लाह ने इरादा किया कि तुम्हारे पास इरादा हो। अगर अल्लाह नहीं इरादा करता तो जिस तरीके से चांद और सूरज और फरिश्तों वगैरह के पास कोई इरादा नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं। अल्लाह ने इरादा किया कि तुम्हारे पास इरादा हो, इसलिए इरादा है, तो इससे फ्री विल साबित। हमारे इरादों को बनाने वाला भी अल्लाह है ना, आप यही कह रहे हैं। जाहिर है इरादा देने वाला अल्लाह ही है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है और उसमें कोई खराबी भी नहीं है। जब उसने हमें बनाया तो हमारी हर चीज को बनाया। तीसरी आयत आ जाए, तीसरी आयत में वो बात के लिए छोड़ लेता हूँ। मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं वक्त आपके पास आता रहूंगा, लेकिन जब मैं अगली दफा जब मैं आऊंगा, क्योंकि आपने तारिक मसूद से कहा था कि आप देवबंद के ग्रेजुएट हैं और आप हनफी स्कूल ऑफ थॉट के कायल हैं, तो मैंने अल हिदाया पढ़नी शुरू कर दी है। अभी बड़ी लंबी किताब है, वो पहला चैप्टर ही निकाह का, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ मुझसे। मैं नोट्स भी लिख रहा हूँ। अब जब से मैं आपसे आर्ग्यू करने आऊंगा तो मैं अपने साथ अबू हनीफा को लेके आऊंगा, तो मेरे साथ नहीं। आप अबू हनीफा शागिर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस्लाम में आ जाएं, फिर अबू हनीफा पे आ जाएं। पहले आप दाखिल तो हों उस दरवाजे के अंदर, उस घर में दाखिल हों, फिर देखें आप उस घर के अंदर कौन सी सामान कहाँ पड़ी है, नहीं पड़ी है। आप घर के बाहर है, अब दाखिल होना ही नहीं चाहते, और आप घर के इंटरनल मैटर में जो इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो लोग यही कह रहे हैं भाई आप पहले उस खानदान के मेंबर तो बने,
रुकनियत तो है उस खानदान के। देखिए आप इंटरनल मैटर में जो है पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे और मेरे भाई के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाए तो सड़क पे चलता हुआ आदमी हकम कोई बनेगा, मीडिएटर कोई घर का बड़ा बनेगा ना। नहीं वो मजा ज्यादा आएगा जब आप जब बाहर का आदमी आएगा है? आप और अबू हनीफा जब आर्ग्यू करेंगे मजा ज्यादा आएगा। ठीक है मजे के लिए आप आए कोई मसला नहीं है, हम आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। एक चीज मैं आपको पूछता हूँ, आप हिदाया पढ़ रहे हैं किताब उन निकाह, कहाँ तक पहुंचे? मैंने अभी तकरीबन उसके 12 पेज पढ़े हैं। 12 पेज पढ़े हैं और वो काफी डिटेल्ड है। मैं सरप्राइज हूँ कि इतनी डिटेल्ड किताब है उसमें जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि जब एक नहीं चाहिए वो अभी मैं बाद में बात करूंगा। ताहिबैन का लफ्ज आया कहीं? कई अरबी लफ्ज आए उनका उन्होंने मतलब लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। ताहिबैन कौन है? नहीं अभी अभी मैं अभी मैं गुफ्तगु नहीं आप करने से तैयार नहीं अभी तो आप डाल देंगे आप। अच्छा ठीक है, आपने उसमें ये पढ़ा कि अबू हनीफा के नजदीक ये है, अबू यूसुफ और मोहम्मद के नजदीक ऐसा है? मैं नोट पढ़ रहा हूँ, पढ़ के नोट लिख रहा हूँ। तो भाई आपने अगर 12 सफे पढ़ ली है तो उसमें ये तो पढ़ा ही होगा ना कि उसमें जो आपस में इख्तलाफ हुआ है। देखिए मैंने वो एक बुक में नोट लिखे हुए हैं उनकी रूलिंग्स। आपको सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर अबू हनीफा इमाम अबू हनीफा को लाएंगे भी ना तो लाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। मैं लेके आऊंगा मैं लेके आऊंगा रूलिंग्स, उनकी रूलिंग्स पे आपको आर्ग्यू करना होगा जो उनकी रूलिंग्स है। मैं कह रहा हूँ कोई फायदा आपको नहीं होगा, हमें ही होगा, हमारे ऑडियंस को होगा जैसे होता है अक्सर। मुझे भी होगा आपको भी होगा। ये है कि फिक्ह हनफी जो है ना वो एक शुराई फिक्ह है, उसमें इमाम अबू हनीफा ने अगर कोई कह दिया कोई बात कह दी तो वो इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि इमाम अबू हनीफा ने कह दी, उनकी बात को बहुत सी बातों को उनके अपने जो दो स्टूडेंट्स हैं अबू यूसुफ और मोहम्मद रहिमहुल्लाह उन्होंने नहीं माना। तो पता नहीं कितनी बातें जो इमाम हनीफा ने की उस पर फतवा नहीं है, लेकिन हिदाया में लिखी हुई है। भाई मैं अबू शागिर साहब मैं हिदाया का वो हिस्सा जो आप पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से उसके आगे जाकर जो चैप्टर ऑफ ट्रांजेक्शन है आप वो भी पढ़ लीजिएगा, मैं उसका रोजाना दर्स देता हूँ। तो इनशाला आपसे जब बात करेंगे ना तो मजा आएगा। जी अभी तो ये ना अभी तो आप कहते हैं कि मैं आप मुफ्ती हैं, मैं तो कह देता हूं कि मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। जी अबू शाकिर साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त, एक मिनट, आप माशाल्लाह हिदाया पढ़ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट बस आपसे, वो ये है कि आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं एक मिनट सुन लेना, मेरी बात मुकम्मल कर रहे थे फिर क्या चले चले ठीक है आप मुकम्मल कर लें फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं मुफ्ती साहब से ये कह रहा था कि जब मैं हिदाया पढ़ लूंगा तो फिर मेरा एक हाथ मुफ्ती साहब से थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, मैं ये कह सकूंगा कि मुफ्ती साहब मैं तो अबू हनीफा को आप सामने लाया हूँ। अबू हनीफा नहीं होगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, नीचे ही रहेगा आपका हाथ, कोई टेंशन ना करें। ले जी आसिम भाई क्या कह रहे थे? जी दो बात के, एक बात कि अबू शाकिर साहब आप जो है कुरान को सामने लाते लाते थक गए हैं कि आप जो है इमाम अबू हनीफा को सामने लाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी मुल्क में रहते हो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस को लें और हिदाया को लें और उसको कंपेरेटिवली पढ़ने की कोशिश करें, फिर आपको समझ आएगा कि इस्लाम जो है और वो इस्लाम का मतलब कुरान और हदीस नहीं, मतलब वो चीज़ें जो इस्लाम के अंदर ह्यूमन माइंड ने प्रोड्यूस की है वो भी कितना मॉडर्न जो आज के लोग हैं जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल माइंड है उससे कितना बेहतर और बढ़तर है। एक दफ़ा पढ़ के देखिएगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और हिदाया को, ये रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा हुआ है जहाँ मेरा था। चलें ठीक है बेहतर है, लॉ भी पढ़िएगा क्योंकि हिदाया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब नहीं है बल्कि लॉ की किताब है। ठीक है तो चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, अगली मरतबा मजीद तैयारी के साथ इंशाल्लाह। अभी तो अभी तैयारी करके आया हूँ, ये तो आपके साथ वो तो पता चल गया सबको।